वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक न्यूज़ मार्केट में ऐसा चल रहा है कि आप सभी बच्चों के इस बार दो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। तो हमारा ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे है कि क्या वाकई हमारे दो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, और अगर होंगे तो कब होंगे, या होंगे इस बार कि दो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, दो बोर्ड एग्ज़ाम का नियम कब से आएगा। तो ये जो टू बोर्ड एग्ज़ाम का रूल है ना, इसका न्यूज़ फैब के महीने से काफ़ी चर्चे में रहा है। जब पहला बोर्ड जो हमारा 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था, तभी से न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी कि इस बार 2024 एंड 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए दो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल ऐसा नोटिस नहीं आया है कि इस बार जो बच्चे क्लास 10th या फिर क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनको दो बोर्ड एग्ज़ाम देना है। हाँ, इस पर विचार चल रहा है, इस पर बातें चल रही हैं, और ये जो टू बोर्ड एग्ज़ाम का रूल है, दो बोर्ड एग्ज़ाम का रूल है, ये हमारे कंट्री में नेक्स्ट सेशन से 2025-26 वाले स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है। इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगले साल जो बच्चे इस साल 9th में हैं या फिर जो बच्चे इस साल 11th में हैं उनको टू बोर्ड एग्ज़ाम्स, दो बोर्ड एग्ज़ाम्स देने के मौके मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। बट इस साल अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अगर आप बच्चों के दिमाग में इसको लेकर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है कि 2025 वाले स्टूडेंट्स को अब साल में दो बोर्ड एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अब अपने दिमाग से ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में हो तो आप उसको निकाल दें। कोई भी आपका इस साल दो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, आपका इस बार एक ही बोर्ड एग्ज़ाम होगा जो 15th फेब के बाद से होगा। किसके बाद होगा? 15th फेब से के बाद से होगा। बाकी अगर आप क्लास 9 या फिर क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये तो हमारा मैंने डिक्लेयर किया है कि जो हमारे इस साल 2025 के स्टूडेंट्स हैं, 24 के स्टूडेंट हैं जिनको 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनका एक ही बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और फैब में कंडक्ट होगा। अभी तक तो फिलहाल यही है, और ऐसा मान लो यही कन्फर्म भी है, इस साल कोई भी दो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, तो आपके दिमाग में ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न हो इन डाउट्स को हटा दें, ठीक है। बाकी अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, इस बार आप क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 11th में हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि आपके दो बोर्ड एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। और ये दो बोर्ड एग्ज़ाम कुछ इस तरीके से होंगे कि आपके दो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, एक आपका होगा सितंबर मंथ में और एक आपका होगा फेब महीने में, ठीक है। सितंबर मंथ में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपका हाफ सिलेबस आएगा, और फेब महीने में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपका फुल सिलेबस आएगा। अब इन दो बोर्ड एग्ज़ाम्स की खासियत क्या है कि आपको दो बोर्ड एग्ज़ाम देने का मतलब क्या है कि आपको दो बार एग्ज़ाम देने के मौके मिल रहे हैं। कोई समय से आपने सुना होगा सेमेस्टर वाइज कि हमें दो सेमेस्टर देना पड़ता है, दोनों सेमेस्टर में हमें पास होने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को यहाँ तक उसमें बोला जा रहा है कि आपको दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, अब चाहो तो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपके जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, आपने मानो सितंबर वाला भी एग्ज़ाम दिया और आपने फेब वाला भी एग्ज़ाम दिया, अब जिस एग्ज़ाम में आपके मैक्सिमम मार्क आएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस भी एग्ज़ाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे उसी को आपके रिजल्ट में काउंट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने सितंबर में एग्ज़ाम दिया, आपके मैथ्स में 70 मार्क्स आ गए, और आपने फरवरी में एग्ज़ाम दिया, आपके मैथ्स में 80 मार्क्स आ गए, तो इस 80 मार्क्स को काउंट किया जाएगा। किसको काउंट किया जाएगा? आपके फाइनल रिजल्ट में, जो आपका बेस्ट होगा दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम्स में से, जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स होंगे उस वाले को काउंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दो बोर्ड एग्ज़ाम होने के बहुत सारे अपने बेनिफिट्स हैं, तो इस बार के बच्चों को तो ये मौका नहीं मिलने वाला है। जो लोग भी इस साल क्लास 9th एंड क्लास 11th में हैं उनको अगले बार दो बोर्ड एग्ज़ाम देने के पूरे चांसेस मिलेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो बच्चों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।